बड़ी खबर के साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब यहां पर सहयोगी दलों को मनाने के लिए बड़ा दांव खेलने जा रही है और एमएलसी बनाकर संजय निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यानी यूपी में मंत्री परिषद विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बैठक में मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। संभावना यहां पर जताई जा रही है कि अब यूपी में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। बैठक में मंत्रिपरिषद विस्तार और एमएलसी पर चर्चा की गई है। सहयोगी दलों की जो तमाम शिकायतें थी कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, नेतृत्व नहीं मिल रहा है, अब यहां पर उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवैध हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अवैध, इससे पहले भी कई बार अटकलें लगी कि 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार में जो है जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उसमें जो है फेरबदल किया जा सकता है, कैबिनेट यहां पर विस्तार हो सकता है, लेकिन बार बार ये अफवाहें साबित हुई। लेकिन एक बार फिर अब यहां पर अटकलें तेज हो गई हैं। 4 एमएलसी नामित होने हैं, उनके नाम तो यहां पर तय हुए हैं, लेकिन अब यहां पर यह भी तय हो रहा कि उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है यूपी में फिर से। बहुत बड़ी खबर है, भारत समाचार जो है वो बता रहा है अपने दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 15 दिनों में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है। कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे अचानक से और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की, लगभग 3.5 घंटे के आसपास जो है वो मंथन चला है, उसमें भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में चुनाव में किस तरह से रणनीति तैयार करनी है उसके ऊपर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी का आने वाले दिनों में दौरा हो सकता है, उसको लेकर रोडमैप तैयार किया गया। और तीसरी सबसे अहम बात ये थी कि उत्तर प्रदेश में 4 एमएलसी के पद जो हैं वो अभी खाली हैं, उनके नामों के ऊपर भी चर्चा हुई। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रही बैठक में कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों में कभी भी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। भारत समाचार सुबह से लगातार ये कह रहा था कि संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको एमएलसी का पद जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे सूत्रों ने 2 और नामों की जो है वो पुष्टि कर दी, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। दोनों ब्राह्मण नेता हैं। जितिन प्रसाद जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जितिन प्रसाद को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि ब्राह्मण वोटों को साधना है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद जो है, लेकिन खास बात यह है कि संजय निषाद जो है वो लगातार राजनीति में बार बार फोकस हो रहे हैं, डीप फोकस हो रहे हैं। इससे पहले भी जब दिल्ली में बैठक हुई थी उसी दिन संजय निषाद एक दिन पहले मिलकर आए थे, जब यहां पर आपको बता दें कि मुलाकात हुई थी, एक बार फिर कल जब बैठक हुई तो संजय निषाद उससे उसके बाद उनसे भी बैठक होती है। यानी संजय निषाद बार बार हाईकमान तक अपनी शिकायत पहुंचा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी खल रही है जो वो हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं और जिसका असर अब आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर संजय निषाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा थे जो गठबंधन में होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा आरोप या फिर कहा जाए कि अटैकिंग मूड में जो है वो नजर आ रहे थे और ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो किस करवट लेंगे चुनाव से पहले, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि जब 2019 में वो साथ में आए थे तो जो वादे उनसे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है और लगातार बीते एक हफ्ते में ये तीसरी मुलाकात जो है वो आलाकमान के साथ थी और ये तीसरी मुलाकात ऐसी थी जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी खुद मौजूद थे इस बैठक में। और ये कहा जा रहा था कि इस बैठक में भी ये चर्चा हुई है कि संजय निषाद को जो है वो एमएलसी का पद दिया जाएगा, इसके अलावा मंत्रिमंडल में हो सकता है जहां जब विस्तार हो तो उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे के ऊपर भी बातचीत हुई और उनको ये आश्वासन दिया गया कि आरक्षण की जो मांग है उसके ऊपर भी जल्दी ही राज्य सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो संसद से कानून पारित हुआ है जिसमें ओबीसी को जो है अब राज्यों के पास अधिकार है कि ओबीसी की श्रेणी में किसी भी जाति को शामिल कर सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि संजय निषाद को कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से। बिल्कुल, खास बात यह भी है कि ओबीसी बिल अब राष्ट्रपति से आज ही मंजूरी मिल चुकी है, यानी राज्यों को यह अधिकार मिल गया है कि ओबीसी में किसे रखना है किसे नहीं रखना है यह राज्य सरकारें अब तय कर सकेंगी। और जिस तरह से यहां पर ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट भी दी थी उसमें भी इन बातों को लेकर चर्चा थी, तो अब निषाद जो समाज है उसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि मोटा मोटा आकलन यह कहता है कि यूपी में कम से कम 136 ऐसी सीटें हैं जिसपे निषाद पार्टी निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है और ऐसे में संजय निषाद की भी उपयोग
प्रतियोगिता यूपी की राजनीति में बढ़ जाती है, इसलिए अब इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अब पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है 22 को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय निषाद, लगातार जब भी हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की वो लगातार यही कहते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो चाहे इलाहाबाद हो, बनारस हो, उत्तर गोरखपुर हो या फिर देवरिया हो या फिर इधर लखनऊ तक का वो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम बकायदा जबान पर रटे रहते थे और कहते कि इसमें हमारा प्रभुत्व है। लगभग 100 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहाँ पे हम निर्णायक भूमिका में रहते हैं और 70 सीटों में तो हमारा दबदबा है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उनका ये कहना था। हालांकि सीटों के बंटवारे के ऊपर लगातार वो कुछ खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन लगातार ये कहते कि 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है, सरकार 72 घंटे से पहले जो है अगर फैसला लेती है आरक्षण का तो हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटम जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को देते रहते थे, चेताते रहते थे कि देखिए एक अहम भूमिका जो है वो उनके वोट बैंक की है। चलिए अवैध जिन संजय निषाद पर इतनी चर्चा हो रही है जो एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ रहे हैं, दरअसल उन्होंने इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है पहले वो दर्शकों को सुना देते हैं। सीटों पर चर्चा हुई कि भाई हमारे लोग सम्मानजनक सीटें पाएंगे तो मनोबल से जल्दी से आपके होगा, तो सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, अच्छे सार्थक रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बताया, हमने बताया भी कि भाई 2015 से पहले 13 से पहले हम पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ ने हमारी आवाज़ को सदन तक उठाते रहे। दूसरा मंत्रिमंडल और जो भी है, मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे लोग असंतुष्ट इसलिए हैं कि जो वादा हुआ था उस पर पूरा नहीं हुआ, तो उस पर अब आगे जो हुई उन्होंने कहा पीछे की बातें भूल जाओ, आगे जो भी कुछ होगा उसमें सम्मानजनक हिस्सेदारी आपको मिले। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरह से वो कह रहे थे कि 4 साल की कसक है, उनके सहयोगी लगातार उनसे सवाल कर रहे थे कि उनको नेतृत्व नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही है और अब जो आगे होगा उसमें उन्हें सम्मानजनक स्थिति दी जाएगी, यानी आगे जो होगा वो कहीं ना कहीं अब तय हो गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आगे जो होना है वो तय हो चुका है कि उनको कितनी सीटें जो हैं वो दी जा सकती है आने वाले चुनाव में। MLC का पद, एक सीट जो है वो मिलने जा रही है, हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जैसी चर्चाएं चल रही हैं फिर से कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें भी उनका नाम जो है काफ़ी आगे चला है, क्योंकि MLC बनाने के बाद जो है अगला अगर कदम कोई के राज्य सरकार उठाती है तो वो उनको मंत्रिमंडल में, जिस तरह की उनकी मांग रही है कि हमको जो है सत्ता में भागीदारी चाहिए, सत्ता में हक चाहिए, हम एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर, तो लगातार इस तरह की मांग जो है वो संजय निषाद कर रहे थे। ऐसे में अगर उनको MLC बनाया जाता है तो ये निश्चित माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में संजय निषाद को जो है मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका मंत्रिमंडल में भी दी जा सकती है। कहीं ना कहीं लगातार BJP की कोशिश यही रही है उत्तर प्रदेश में जितने भी सहयोगी दल हैं, जो नाराजगियां हैं उनको दूर किया जाए, चाहे आपने अनुप्रिया पटेल का देखा, अनुप्रिया पटेल भी काफी नाराज चली थी, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में दोबारा वापसी दिलाएगी, इसके बाद फिर संजय निषाद जो है वो बहुत ज्यादा मुखर हो गए और वो कहने लगी जब अनुप्रिया पटेल को जगह दी जा सकती है तो हमें क्यों नहीं देगी, हमको भी उतनी ही अहमियत जो है वो दी जानी चाहिए, जो वादे फिर उन्होंने दोहराने शुरू कर दिए 2017 के और 19 के दौरान जो है भाजपा ने संजय निषाद से किए, साफ तौर पर लगातार प्रेशर वो बना रहे थे संजय निषाद और उसका नतीजा जो है वो अब आने वाले दिनों में आधिकारिक तौर पर भी हमें देख बिल्कुल आवेश। अब यहाँ पर यूपी में बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं और ये चर्चा अब तेज